किस्सा कुछ यूं है कि एक बार मुगल शहजादे सलीम हाथ में दो कबूतर लिए गुसलखाने की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जहनसीब एक मोहतरमा खड़ी हुई दिखाई दी जो वहां खड़े खड़े बाग के फूलों और हंसों को निहार रही थी। शहजादे ने उनसे एक फरमाइश करते हुए कहा, बराए मेहरबानी अगर आपको जहमत ना हो तो एक कबूतर मेरे हाथ से ले लीजिए, मैं नहाकर लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। शहजादे की फरमाइश हुक्म सरी की थी, सो मोहतरमा ने कबूतर अपने हाथ में ले लिए। सलीम लौटे तो देखा हाथ में सिर्फ एक कबूतर था। उन्होंने पूछा, मेरा दूसरा कबूतर कहाँ गया? मोहतरमा ने जवाब दिया, वो तो उड़ गया। शहजादे ने पूछा, कैसे? मोहतरमा ने फटाक से जवाब दिया, ऐसे। और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए दूसरे कबूतर को भी आज़ाद कर दिया। कहते हैं मेहरुन्निसा के इस रूमानी अंदाज ने शहजादे को इतना प्रभावित किया कि सलीम उसे दिल दे बैठा। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 25 मई है और आज की तारीख का संबंध है एक प्रेम कहानी से। शुरुआत से पहले आपको एक और बात बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू FM ऐप। जुलाई है ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक आप देख सकते हैं। अब लौटते हैं कहानी पर। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1570 से। कभी फारस के बादशाह के दरबार में ऊंचे ओहदे में रह चुका घियास बेग अब मुफलिसी में दिन गुजार रहा था। सर पर बड़ा उधार था, साथ ही तेहरान में शिया सुन्नी के बीच लड़ाई से वो तंग आ चुका था। इसके चलते साल 1570 में उसने हिंदुस्तान का रुख किया। यहाँ आगरे में मुगलों का तख्त सजा था और उसे उम्मीद थी कि बादशाह अकबर उस पर रहमत करेंगे। यही सोचकर घियास तेहरान से निकला ही था कि कांधार में उसके कारवां पर लुटेरों ने हमला कर दिया। कंगाली में आटा गीला वाली हालत हो गई और उसी समय एक और मुसीबत सरान पड़ी। घियास की बेगम असमत को प्रसव का दर्द उठा और लुटे पिटे कारवां के बीच असमत ने एक बेटी को जन्म दिया। किस्सा ये भी है कि घियास और असमत इस बुरी हालत में इस बच्ची को वहीं छोड़ जाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन तब कारवां में साथ चल रहे एक आदमी ने बच्ची को रास्ते से उठाकर दोबारा घियास को सौंप दिया। इसके बाद घियास और असमत ने इस बच्ची को नाम दिया मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा के पैदा होने के बाद घियास की जिंदगी में रहमत बरसी। धीरे धीरे वो बादशाह अकबर के दरबार के खास मुलाजिम बन गए। मेहरुन्निसा बला की खूबसूरत थी और अक्सर उनका भी दरबार में आना जाना होता था। इसी दौरान शहजादे सलीम की नज़र मेहरुन्निसा पर पड़ी। एक मर्तबा शहजादे ने मेहरुन्निसा को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इकरार करने लगा। मेहरुन्निसा ने जाकर रानियों से इसकी शिकायत कर दी। बादशाह अकबर तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने घियास से जल्द अपनी बेटी की शादी करने को कहा। इतना ही नहीं, मेहरुन्निसा के लिए एक दुल्हा भी सुझाया, अली कुली उर्फ शेर अफगान। साथ ही अकबर ने अली कुली को बंगाल में जागीर देकर उसे आगरे से दूर भेज दिया। साल 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके ठीक 8 दिन बाद यानी 3 नवंबर 1605 को जहांगीर ने आगरे की गद्दी संभाली। इधर जहांगीर गद्दी पर बैठे और वहां कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि अली कुली की हत्या हो गई। ठीक ठीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये सब जहांगीर के इशारे पर हुआ था। जैसा कि तब प्रचलन था, अली कुली की मौत के बाद मेहरुन्निसा को शाही हरम में बुला लिया गया। हरम में मेहरुन्निसा अकबर की बेगम सलीमा सुल्ताना की खादिम के तौर पर काम करने लगी। इसी दौरान दोनों का इश्क परवान चढ़ा और आज ही के दिन यानी 25 मई 1611 को जहांगीर ने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। उन्होंने मेहरुन्निसा को एक नया नाम दिया, नूर महल, यानी महल की रोशनी। बाद में इसी नाम को नूर जहां कर दिया गया, यानी संसार की रोशनी। दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। दरबार का कामकाज देखने के अलावा दोनों साथ में शिकार पर भी जाते थे। एक किस्सा यूं भी है कि नूरजहां ने एक बार मथुरा के पास एक आदमखोर बाघ का शिकार किया था। हुआ क्या था बताते हैं। हुआ यूं कि आगरा के आसपास एक आदमखोर बाघ ने लोगों को परेशान किया हुआ था। जब मसला बादशाह के पास पहुंचा तो वो उसके शिकार के लिए निकल पड़े, साथ में नूरजहां भी थी। जब ये लोग बाघ के पास पहुंचे तो बाघ की गंध से हाथी बिगड़ गया। हौदे से बाघ पर निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था और मुगल शिकारी भी निशाना लगाने में असफल हो रहे थे। जहांगीर लिखते हैं, मिर्जा रुस्तम जैसा निशानेबाज 4 गोली चलाकर भी बाघ को निशाना नहीं बना पाया। ऐसे में मैंने अपनी बंदूक नूर जहां को दी और उसने पहले ही वार में बाघ को गिरा डाला।
एक और जगह जहांगीर लिखते हैं कि नूर जहां ने अकेले ही 4 बाघों को मार गिराया था और तब उन्होंने इनाम के तौर पर नूर जहां को 1,00,000 रुपए की कीमत के 2 हीरे के कड़े दिए थे और उस पर 1,000 अशर्फियों की बारिश की थी। तब के दौर के ब्रिटिश अफसरों ने जब मुगल दरबार का दौरा किया तो उन्होंने भी नूर जहां का जिक्र किया है। ब्रिटिश अफसर थॉमस रो के अनुसार नूर जहां दरबार में सबसे ताकतवर हैसियत रखती थी और बाकी रानियों के बरअक्स उनका दरबार और रियासत के कामकाज में सीधा दखल था। माना जाता है कि जहांगीर की अफीम और शराब की लत के चलते नूर जहां ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और मलिका हिंदुस्तान के नाम से जाने लगी थी। जहांगीर से शादी के कुछ ही वक्त बाद नूर जहां ने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें कर्मचारियों की जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी। इस फरमान में उनके दस्तखत थे नूर जहां बादशाह बेगम। इससे पता चलता है कि नूर जहां एक बादशाह के बराबर ही ताकत रखती थी। मलिका हिंदुस्तान बनते ही नूर जहां ने मुगलिया सल्तनत के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत किया। साल 1612 में नूर जहां के भाई असफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो मुमताज महल का निकाह जहांगीर के बेटे शाहजहां से हुआ। नूर जहां को अंदाजा न था कि यह फैसला आगे उसके लिए पैर पे कुल्हाड़ी साबित हो जाएगा। दरअसल अपना रुतबा बनाए रखने के लिए नूर जहां अपनी पहली शादी से हुई बेटी लाडली बेगम की शादी मुगल गद्दी के अगले वारिस से करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो के सामने ये प्रस्ताव रखा। खुसरो तब जेल में था। जहांगीर के साथ अदावत के चलते उन्हें कैद कर लिया गया था। नूर जहां का प्रस्ताव मान लेने पर वो मुगल गद्दी के अगले वारिस हो सकते थे लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया। इस किस्से के बारे में हमने आपको 15 अप्रैल के एपिसोड में भी बताया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल खुसरो के इनकार के बाद लाडली बेगम की शादी जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से करवा दी गई। यहां से शुरू हुआ सल्तनत हथियाने के लिए शह और मात का खेल। नूर जहां शहरयार को गद्दी का वारिस बनाना चाहती थी, वहीं जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम यानी शाहजहां भी गद्दी की फिराक में था। इसीलिए उसने जहांगीर के खिलाफ दक्कन में खेमेबाजी शुरू कर दी। साल 1620 में जब कांधार पर हमला हुआ तो नूर जहां ने जहांगीर से कहकर शाहजहां को कांधार भेजने की तैयारी कर ली। शाहजहां को डर था कि अगर वो कांधार गया तो पीछे से नूर जहां जहांगीर को उसके खिलाफ भड़काएगी। शाहजहां ने कांधार जाने से इनकार कर दिया। इस बीच मौका पाकर नूर जहां ने शहरयार को कई सारी जागीरें सौंप दी जिन पर दूसरे शहजादों का हक था। साल 1622 में शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि इस कैंपेन में उसे मुंह की खानी पड़ी और उसने जहांगीर से संधि करते हुए अपने दोनों बेटों को आगरा भिजवा दिया। नूरजहां को अब यकीन हो चला था कि शहरयार ही बादशाह बनेगा, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। साल 1626 आते आते जहांगीर की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। नूरजहां ने इस दौरान अपने भाई आसिफ खान को वजीर नियुक्त किया। इस बात से मुगल कमांडर महावत खान इतने खफा हुए गए कि उन्होंने बगावत की ठान ली और उसने जहांगीर को काबुल जाते हुए झेलम के किनारे कैद कर लिया। जहांगीर को कैद से छुड़वाने के लिए नूरजहां एक हाथी पर सवार होकर खुद जंग के मैदान में उतरी, लेकिन महावत खान की सेना के आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें भी जहांगीर के साथ कैद कर लिया गया। कैद में रहते हुए नूरजहां ने महावत के कई साथियों और पैसे और पद का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। सिर्फ 6 महीने में महावत की ताकत खत्म हो चुकी थी और अंत में वो भागकर शाहजहां से मिल गए। साल 1627 में बीमारी के चलते कश्मीर में जहांगीर की मौत हो गई। शहरयार इस वक्त लाहौर में तैनात था और शाहजहां दक्कन में। मौका देख शहरयार ने लाहौर में खुद को सम्राट घोषित करवा दिया और खजाने और बाकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। शाहजहां ने गद्दी पर हक जमाने के लिए शहरयार पर हमला किया। लाहौर के पास दोनों खेमों के बीच जंग हुई। शुरुआत में बाजी शहरयार के हाथ जाती दिख रही थी, लेकिन नूरजहां की एक पुरानी गलती ने पासा पलट दिया। हमने आपको बताया था कि शाहजहां की शादी नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी से हुई थी, यानी आसफ खां शाहजहां का ससुर लगता था। उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए शाहजहां का साथ दिया और अपनी बहन नूरजहां को कैद करवा दिया। आसफ खां की मदद से शाहजहां ने आगरे के तख्त पर कब्जा किया और शहरयार को भी मरवा डाला। इसके बाद नूरजहां ने बाकी की जिंदगी लाहौर में ही गुजारी और साल 1645 में 68 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था आज का एपिसोड जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी कमल ने। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिलाल इंटरटेनमेंट। शुक्रिया।